अब श्रीगंगानगर से ये खबर है, श्रीगंगानगर से ये खबर है, उर्मिला सारण ने चार लोगों को दी है नई जिंदगी। उर्मिला सारण के ब्रेन डेड होने के बाद परिवार ने लिया है फैसला। पति कृष्ण सारण मदेरा ने समाज सेवा की मिसाल पेश की है। उर्मिला सारण की दोनों आंखें दो लड़कियों को डोनेट की है, दोनों किडनी भी 16 वर्षीय लड़की और 39 वर्षीय पुरुष को डोनेट। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील सिहाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, देखिए उर्मिला सहारण जो जाते जाते चार लोगों को नई जिंदगी दे गई, एक बड़ी मिसाल समाज में उन्होंने पेश की है। बिल्कुल, इसी समाज सेवा में एक बड़ी मिसाल पेश की है। श्री गंगानगर के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक गाँव है मदेरा, वहाँ की निवासी है कृष्ण शाहन की वाइफ है। इनका ब्रेन हेमरेज हो गया था और दिल्ली के गुड़गांव हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था। तो वहां पे इन्होंने जैसे डॉक्टरों ने इनसे बात की भी ये ठीक नहीं हो सकती, तो उसके बाद में इन्होंने परिजनों ने ये आगे आकर ये समाज सेवा के लिए एक अच्छा काम किया है और संदेश दिया है कि किडनी है, लीवर है और आंखें तीनों इन्होंने डोनेट की है और इसके चार चार लोगों को नई जिंदगी मिली है। और तपोवन ट्रस्ट और उनके निजी मित्र है महेश परिवार, वो भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने यह जानकारी दी है कि एक मिसाल करने वाला जो मामला है जो सामने आया है समाज सेवा के अंदर, तो क्यों न लोग ऐसी जागृति फैले फर्स्ट इंडिया के जरिए और आम लोगों में इस तरीके की जागृति फैले कि लोग आगे आकर इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं तो क्यों न जो लोग नई जिंदगी चाहते हैं, जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनको किसी न किसी की सहायता की जरूरत होती है, तो उन्होंने उनके लिए इस तरीके की मिसाल सामने हो। तो कहीं ना कहीं बड़ी मिसाल पेश की है, चार लोगों की जिंदगी जो नई जिंदगी उनको दी गई है। बिल्कुल सुनील, और देखते हैं हम लोग कि जिन लोगों को इन अंगों की जरूरत होती है किस तरीके से दर दर भटकते रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब जब इन लोगों को नई जिंदगी मिली है तो जिंदगी भर ता उम्र ये लोग और इनका पूरा परिवार उर्मिला सहारण को सदैव याद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दूं आयुषी, उर्मिला सहारण और जो इनका परिवार है कृष्ण सहारण, वह अंगदान जागरूकता अभियान और इस तरीके के जो समाज सेवा कार्य है वो हमेशा आगे रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले ये शपथ ली थी, पूरे परिवार है जो अंगदान करेगा, मरणोपरांत इस तरीके के अंगदान करेगा, आंखें डोनेट करेगा। तो और महेश पेरीवाल जो इन तपोवन ट्रस्ट जो यहाँ पे चलाते हैं समाज सेवा में सबसे आगे रहते हैं, तो इनके इनके सामंजस्य से ये सब मिलकर इस तरीके का ये जो आगे बढ़ावा जो लोगों को जागरूकता का बढ़ावा देने के लिए काम करते रहे हैं। तो आज इन्होंने अपने परिवार से ये शुरुआत की है और गुड़गांव के हॉस्पिटल के अंदर जब ये डॉक्टरों को बताया गया कि हमने हमारे परिवार ने ये फैसला लिया है, जो भी लोग इन चीजों से वंचित है, जिनकी आंखें नहीं है, जिनके किडनी की बीमारी है, किडनी उनको नहीं मिल रही है, उनको हम जीवन दान देना चाहते हैं। तो दो लड़कियां हैं, दो लड़कियों को वहां पे जो 18-18 साल की लड़कियां हैं बताई जा रही है, उनको दोनों को एक एक आंख दी गई है, तो दोनों ही नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। और एक जो लड़की है और एक व्यक्ति है, उनको दोनों को किडनी उनको दी गई है, तो दो जिंदगियां वो बच गई। तो कहा जा सकता है कि चार जिंदगियों को उर्मिला सहारण है जाते जाते चार जिंदगियों को जीवन दान दे गई है, चार लोगों को अब नई जिंदगी की शुरुआत वो करेंगी। सुनील देखिए, और जब इस तरीके से कोई कदम उठाता है, क्योंकि समाज में लगातार हम बात करते हैं, देखते भी हैं कि कई लोग मिसाल पेश करने की बात करते हैं पर खुद के दम पर इस तरीके से एक्शन लेना और उसके बाद परिवार का खुद का आगे आना एक बहुत बड़ी मिसाल यहाँ पर पेश करता हुआ। बिल्कुल आयुषी, देखिए जो आपने बिल्कुल सही कहा,
जो लोग कहते हैं हम अंगदान करेंगे, मरणोपरांत अंगदान करेंगे या इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है तब हम अंगदान करेंगे, तो ये बाद में वास्तव में वो संभव हो नहीं पाता। परिजन नहीं मानते या उनके कोई और परिजन है तो मना कर देते हैं कि हम इस तरीके का जो अंगदान है जो समाज सेवा में हम नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको जागरूक करने के लिए और अन्य लोगों को जागरूक करने के लिए बड़ी मिसाल पेश हुई है जो आज मोदी है जो दान दी है मरणोपरांत उर्मिला चारण की, चार लोगों को नई जिंदगी दी है। कहीं ना कहीं फर्स्ट इंडिया भी ये चाहता है कि लोग इस तरीके की भावना को देखकर जो ये आज समाज सेवा की मिसाल पेश हुई है लोग अपने आप आगे आए और डॉक्टर्स को और जहां भी जरूरत हो अन्य लोगों की सेवा में सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बिल्कुल सुनील, और इसके लिए ज़रूरी भी हो जाता है कि हमारे प्रशासनिक स्तर पर भी, चिकित्सा स्तर पर भी इस तरीके की तैयारियां मुस्तैदी से रहे ताकि जब ऐसा कोई केस सामने आए तो तुरंत जो व्यक्ति है जिसे अंगों की ज़रूरत है उस तक अंग पहुंचाया जाए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एयरलिफ्ट के माध्यम से या कहें कि एयर बबल के माध्यम से भी अंगों को पहुँचाया जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।